हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कैलकुलेट द शील्डिंग ऑन 4s इलेक्ट्रॉन ऑफ आयरन। आयरन का एटॉमिक नंबर भी है 26। द की कांसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ आयरन। आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमारे पास क्या होगी? विल बी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, 4s2, ठीक है ना? अगर देखें, अगर हम लोग इसमें देखें तो 4s ऑर्बिटल के लिए निकालने, इसके अलावा एक उस एक इलेक्ट्रॉन की जिसकी हम शील्डिंग निकालनी है, उसके अलावा कितने इलेक्ट्रॉन बचे 4s में? हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बचा, राइट? तो अकॉर्डिंग टू सिंटर्स रूल क्या हो जाएगा? मैं जो 1 होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 से, राइट? फिर उसके आगे वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 14 इलेक्ट्रॉन्स, 44 में मल्टीप्लाई करेंगे 0.85 से। फिर उसमें ऐड करेंगे हम लोग बाकी के 10 इलेक्ट्रॉन्स, उसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय फैक्टर ऑफ 1, राइट? तो हमारे पास ये आ जाएगा यार 22.25, राइट? और हमारे पास जो एटॉमिक नंबर होता है हमारे आयरन का वो क्या होता है? 26, तो 26.22.25, ये 26 माइनस 22.25 हमारे पास हो जाएगा 3.75। ये हमारे पास आ जाएगा जेड फैक्टर फॉर द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 4s ऑर्बिटल ऑफ आयरन, ठीक है? हम लोग ये समझ सकते कि जो इलेक्ट्रॉन था उसकी शील्डिंग कितनी ज्यादा हुई है, ठीक है? आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।